Audio Jungle. प्याज की चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चार बड़ी प्याज ली हैं जिनको मैंने रफली कट कर ली हैं। साथ में मैंने दो गांठ लहसुन की ली हैं। लहसुन छीलने के लिए आप इसको गुनगुने पानी में 5 मिनट तक डले रहने दें, उसके बाद आप लहसुन छीलें तो उससे अच्छी जल्दी छिल जाता है और मेहनत भी नहीं लगती है और साफ निकलता है। उसके बाद कुछ करी पत्ते लिए, मीठा नीम और आधा नींबू लिया है। मसाले में मैंने धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है और बघारने के लिए मैं राई लूंगी, जीरा लूंगी और हींग लूंगी। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम ये प्याज डालेंगे। उसके बाद हम लहसुन की कलियां डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें, थोड़ा दरदरा हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको इतना बारीक पीसना है। अब मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा ऑयल हम ज़्यादा लेंगे, मतलब मैंने यहाँ 1.5 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। बड़ी हो चुका है, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को हम अच्छी तरह से तड़काएंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और ये मीठे नीम से प्याज की चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप थोड़ा संभल के डालें क्योंकि हम मीठा नीम जब डालते हैं तो ऑयल उछटता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डालें और उसके बाद हम ये इसमें प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसको काफ़ी समय तक स्टोर करके रखना है ये चटनी। अगर हम इसमें पानी नहीं डालते, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अगर हम इसमें पानी नहीं डालते हैं तो हम इसको आराम से 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, भले ही हम इसको फ्रीज में रखें या ना रखें। अगर फ्रीज में रखें तो बहुत अच्छी बात है और अगर हम फ्रीज में ना भी रखें तो भी ये हमारी 1 मंथ तक आराम से चल जाती है। बस इसमें पानी का 1 बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं डाला। मसाले मैंने इसलिए इसमें पहले डाल लिए थे क्योंकि प्याज की सहायता से वो जलेंगे नहीं और अगर वो बाद में मैं मसाले डालती तो उसमें मुझे फिर पानी डालना पड़ता, इसलिए मैंने मसाले इसमें पहले डाले, उसके बाद मैंने इसको इसमें प्याज डाली। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से भूनते रहेंगे। जैसे ये भुन जाएगा तो ये ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी ये हमारी चटनी बन गई है। और अब हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर मैं नींबू डाल देती तो इसके खट्टेपन के कारण मसाले अच्छी तरह से भुन नहीं पाते और प्याज भी थोड़ी सी कच्ची रह जाती, जिसके कारण चटनी जल्दी ख़राब हो जाती। और अब मैं इसमें हींग डालूंगी। हींग भी मैंने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये मसालों के साथ थोड़ी सी जल जाती और उसके कारण इसमें खुशबू नहीं आ पाती, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए पीछे से डाली हैं। और अब हम सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से भूनेंगे
और फिर उसके बाद ही हमारी चटनी बनकर तैयार है।